हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहा है सुबह का 9 और आप लोग देख सकते हैं बारिश। बाप रे, सुबह से बारिश 4 या 5 बजे से बारिश होने में लगी है और अभी 9:30 बज गया है और अभी तक बारिश रुकी नहीं है। रोज सुबह लोगों के घर से निकलने के टाइम पर बारिश हो रही है और फिर उसके बाद धूप आ जा रही है। इतना दिमाग खराब कर रखा है बारिश में, भाइयों का घर से मुश्किल कर रखा है निकलना। तो अभी मैं जाने लग गई हूँ, उठ के फ्रेश व्रेश होकर मुँह हाथ धो के ऊपर वाले घर को वहाँ जाके नाश्ता वास्ता करते हैं। फिर बारिश बंद होगी तो फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर देखते हैं आज का क्या प्लान होता है, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। तो मिलते थोड़ी देर बाद, इसके लिए बाय बाय। तो रास्ता कुछ ऐसा हो रखा है फिसलने वाला, आप लोग देख सकते हैं कितनी फिसलन हो रही है, पूरे पत्थरों में टेकने लायक नहीं हो रहा है। तो गाइस, आप लोगों को मेरी ओर से विश्वकर्मा जयंती की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे पहाड़ में मनाया जाता है खतरुआ। तो पहले तो आप लोग ये बताना खतरुआ किसको किसको पता है, और इसकी स्टोरी मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में बताऊंगी खतरुआ की स्टोरी क्या है। और आज के दिन खतरुए का पुतला बनता है और उसमें आग लगाते हैं और गायों की पूजा करते हैं। और विश्वकर्मा जयंती की उससे आप लोग को पता ही होगा कि लोहे की पूजा होती है। आज लोहे का कोई काम नहीं होता है। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं, आज हमारा कैसा क्या होता है आप लोग को दिखाऊंगी, आज का हम फेस्टिवल हम कैसे मनाते हैं पहाड़ में। तो मिलते हैं। सो गाइस, अभी बज रहा है 12 दिन का और आप लोग देख सकते हैं बारिश अभी भी नहीं रुकी है। तो मैं सब मौसम और का भयंकर सही, रोज़ सुबह सुबह। वैसे ये तो हर साल का, आज के दिन हर साल बारिश होती है हमारे यहाँ पे। और नैनीताल का हाल कुछ ऐसे आप लोग देख सकते हैं, सामने पहाड़ पे वो रहा नैनीताल और उसके ऊपर तो हमेशा बादल ही लगे रहते हैं। और मैं पहुँच गई हूँ अपने नीचे वाले घर वाले रास्ते में, अपने अंदर वाली रोड में। तो यहाँ केले पकाने के लिए डाले जा रहे हैं, पापा हमारे लगे हैं काम में। तो ये राक्षसी से हवा हंसी जो ये भी क्या हो। तो गाइस, आज हमने देखे अनोखे केले, दो चुपके चिपके वाले आप लोग भी देख सकते हैं, इतने बड़े हो रखे हैं। कब पकेंगे कब खाऊंगी हो रही मुझे तो। तो ये वाले घास के बारे में मम्मी बता दो जरा क्या है ये। ये गर्म होती है ना ये घास, इसमें केले जल्दी पक जाते हैं ना। बैर कहाँ बिमोशिया घास ये। बिमोशिया इसमें पकाता है, इसमें डालना है। ये वाली घास में पकाते हैं वाली, इसको पकाने के लिए गर्म होती है दोनों की दोनों घास, जल्दी पक जाते हैं केले इसमें। तो हमारे पापा डाल रहे हैं यहाँ पर केले पकाने के लिए बोरे में। तो गाइस, पापा ने इसमें सारे के सारे केले डाल दिए हैं ऐसे पकाने के लिए। अब इसमें ऊपर डाल देंगे बिमोशिया घास, ये वाली घास बहुत गर्म होती है, इसमें भी बहुत जल्दी केले पक जाते हैं। पर इतने बार इन लोगों ने केले पकाने डाल दिया और मेरे को खाने को नहीं मिले एक बार भी। अगर इसमें जौ घुसे तो जौ भी पक गए, पक जाए। तो गाइस, फिर से मम्मी चिल्लाने लग गई है पापा पे। तो यहाँ पर दो ककड़ी तोड़ दी है, वीडियो बनाओ। तो पापा फिर से उसी पेड़ में चढ़ गए हैं जिसमें मम्मी चढ़ी थी परसों। हाँ। तो ये पेड़ है बीन्स का, लगुला भी गया है पापा कह रहे हैं, वहाँ जाके ऊपर हो रही है ककड़ी, ऊपर वो टूट जाएगी, मम्मी गिर जाएगी वहाँ से नीचे। जा कैच कर नीचे से, जा तो मम्मी कैच करेगी। अपने बीवी की दांतों की भी हो रही उसको, उनको मतलब सॉरी। <लाओ। laughs>
दाल तो है आगे से, वो भी फूट जाएंगे। लाओ ये मच्छा भुगने यार, जल्दी लाओ। तो गाइस हमारा खतड़वे की तैयारी होने लग गई है। या क्या कैच करती है मम्मी आप? बॉल तो खेलाई है बचपन में। और मौसम आप लोग देख सकते हैं, अभी बज रहा 3 और मौसम कितना प्यारा हो रखा है। यहाँ वाली भी तोड़ दी। सो गाइस यहाँ ककड़ी और ककड़ी के बच्चे सारे आ गए हैं। एक बड़ी पापा हैं, बाकी ये बच्चे हैं। अभी एक मम्मी आ रही है इनकी। ये मैं, ये पप्पू, ये मैं, ये पप्पू या तन्नू, और ये पापा। अभी मम्मी आ रही है। ये आई मम्मी। मम्मी रखना जरा। तो ये यो देख रहे हो इसको, ये मम्मी आ गई। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आज का खतरुआ जो है कुमाऊं का लोक पर्व, तो इसके पीछे मैंने 2-3 कहानियां अपने घर वालों के मुंह से सुनी है, मतलब अपनी दादी के मुंह से, अपने पापा मम्मी के मुंह से सुनी है। तो आज मैं आप लोग को वही कहानियां बताऊंगी कि सच है या झूठ है, ये तो अब मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इतिहास में कहीं इसका कोई, इन जो हम जो कथाएं मुझे बताइए इनका कहीं कोई जिक्र हमने सुना कभी पढ़ा नहीं है, बस हमने घर वालों के मुंह से सुना है। तो आप लोग को आज मैं बताऊंगी। पहले तो आप सबको खतरुआ की बहुत सारी बधाइयाँ और साथ में विश्वकर्मा जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ। तो जो खतरुआ होता है वो अश्विन मास के एक गते, यानी कि पहाड़ में हमारी जो मतलब लोकल भाषा है उसमें हम कहते हैं पैठ, एक पैठ, यानी कि अश्विन मास के एक पैठ को मनाया जाता है, जो हमारे जो इंग्लिश वाला है सितंबर के 17 को मनाया जाता है। खतरुआ इसको बोलते हैं, इसको इसकी इसको संज्ञान भी बोला जाता है पहाड़ में, और इसको बोलते हैं कन्या संक्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके पीछे की पहले मैं एक कहानी बताती हूँ, सच है झूठ इसका तो मुझे कंफर्म नहीं है, जो मेरे को पता है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो इसकी एक कहानी है कि पशुओं के जो हमारे गाय गौशाले होते हैं, जो पशु होते हैं उनकी उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। उसमें हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को अलग अलग टाइप की घास खिलाते हैं, और आज के ही दिन से ककड़ी मतलब ककड़ी चलाते हैं। खतरुआ जो होता है उसका हम एक पुतला बनाते हैं, उसमें हम ककड़ी चलाते हैं और ककड़ी को आज से लंबा लंबा काटना शुरू कर देते हैं। इससे पहले हम ककड़ी को कभी लंबा कट करके नहीं खाते, ककड़ी हम खाना शुरू कर देते हैं, पर आज से इसको हम ककड़ी को लंबा करके भी काटते हैं। हमारी अम्मा हमको काटने नहीं देती, अभी भी हमारे घर पर ऐसा ही करते हैं, हम ककड़ी कभी लंबी काट के नहीं खाते, गोल गोल काट के खाते हैं। तो आज हम खतरुआ की जलाएंगे, उसमें फिर ककड़ी डालेंगे और उसकी भी विभूति लगाई जाती है। तो एक तो ये है कहानी इसकी कि हम गाय की मतलब सुरक्षा के लिए, ठंड से बचाव के लिए, और आजकल अभी बरसात का टाइम है तो अंदर कीचड़ वगैरह रहता है, उसकी साफ़ सफाई से मतलब ठंड से बचाने के लिए, पशुओं के पशुओं की रक्षा के लिए हम इसको मनाते हैं खतरुआ को। और इसकी जो दूसरी स्टोरी है वो मैं आपको बता। तो दोस्तों जो दूसरी स्टोरी है वो है, आज से बहुत इस भी पूर्व जुझाड़ के जोशियों ने चंद्र को गद्दी से उठा कर गैड़ा को जब उनकी गद्दी सौंप दी थी, तो तब उस टाइम पे जो गढ़वाल के सेनापति थे वो थे खतर सिंह। तो जब खतर सिंह और गैड़ा के बीच में जब युद्ध हुआ अश्विन की संक्रांति के दिन लोहबा में, तो तब खतर सिंह हार गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तब इस शुभ समाचार को वहाँ से अल्मोड़ा पहुँचाने के लिए दूधातोली, दूनागिरी और भी बहुत सारी श्रृंखलाओं में, पर्वतीय इलाकों में आग जलाई गई। तो उसके बाद पहले पहल दूधातोली और दूनागिरी अल्मोड़ा में इस पर्व को मनाया जाता था खतरुआ को। उसके बाद फिर पूरे कुमाऊं में खतरुआ को मनाया गया, विजय दिवस के प्रतीक के रूप में मनाया गया इसको। तो ये स्टोरी तो मैंने अपने दादी के मुंह से सुनी थी, और दूसरी वाली तो हमारे यहाँ होती है हर साल, गाय की पूजा करना, अंदर साफ़ सफाई करना गौशाले में, यानी कि गौशाला मतलब गोट, पहाड़ियों को बता रही हूँ मैं, गोट में साफ़ सफाई करना, गायों को अलग अलग टाइप की घास खिलाना, और मतलब पूरी सेवा पानी मिलती है गायों को, पूरी फुल सेवा पानी मिलती है। तो अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी आज हम खतरुआ बनाएंगे और वो सब कैसे हम मनाते हैं, और खीरा कैसे क्या करते हैं। खीरा हमारी तोड़ दी गई है, अभी हम घर जाएंगे, उसके बाद फिर सब कुछ मनाएंगे, आप लोग को दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।